अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, दैट वाज स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए आपको याद होगा कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें बात की गई थी बिने के टेस्ट ने, कि उन्होंने एक टेस्ट निकाला था जिसको बाद में मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि एक फर्स्ट जो ये टेस्ट था दैट वाज बिने साइमन टेस्ट जो था, इसको मॉडिफाई किया गया था, जिसकी वजह से ये क्या बना था बाद में स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट बना था, ठीक है। अब देखो स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंट टेस्ट क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है बिने साइमन टेस्ट का, ठीक है। लुइस टर्मन ने मॉडिफाई किया था बिने इंटेलिजेंट टेस्ट को, और इसमें ये बोला गया है ओरिजिनली ये कौन थे, बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल था, ठीक है। बाद में ये मॉडिफाई हुआ था और 1986 में से हम इसको क्या बोलने लग गए थे, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंट टेस्ट फॉर्म बोलने लग गए थे, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आपको एक देखना है एक बच्चे का या किसी का, बच्चे का नहीं एक पर्सन का आईक्यू कितना है, तो ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट था जो उस टाइम पे यूज़ होना शुरू हुआ था, ठीक है। कैन बी यूजफुल फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बच्चे से लेके 45 ईयर्स तक के पर्सन के लिए ये टेस्ट बेनिफिशियल है, मतलब उससे हम उनका आइडिया लगा सकते हैं इंटेलिजेंस का, एक ओवरऑल आइडिया, ठीक है। और ये क्या बोला है, इफेक्टिव कुछ चीज़ों के लिए कुछ साल तक इफेक्टिव होता है। अब फॉर्मूला है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। IQ निकालने का, इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालने का जो तरीका है, दैट इज MA अपॉन CA, दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। नाउ कॉग्निटिव एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट यूज टू डायग्नाइज डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज इन यंग चिल्ड्रन। देखो 1986 में इसका रिवीजन हुआ था, मतलब इसको और इम्प्रूव किया था ताकि ये यूज़फुल हो जाए टेस्टिंग, एडल्ट में टेस्टिंग के लिए और बच्चों में टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इसलिए इसको रिवाइज किया गया था, इसको इम्प्रूव किया गया था। लेटेस्ट रिवीजन ऑफ दिस टेस्ट वाज रिलीज्ड इन ईयर 2003। अभी जो लेटेस्ट निकला है, जो सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड रिवीजन इसका हुआ है, वो 2003 में हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि अगर किसी का बिलो 70 आता है IQ, दैट मीन्स वो बच्चा या जो पर्सन है वो मेंटली रिटार्डेड है। अगर 90 से 110 तक आता है दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल, और अगर किसी का अबव 130 आता है दैट मीन्स द पर्सन इज़ सुपीरियर, ठीक है। तो ये एक टेस्ट डिसाइड हो गया था कि ठीक है ये IQ है इसका, ये इस तरह से है, और ये एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा लाइक इंटेलिजेंट है या कोई रिटार्डेड है या कोई नॉर्मल है, ठीक है। तो ये टेस्ट है जो यूज़ होता है और अभी भी आजकल ये यूज़ होता है टू मेजर द इंटेलिजेंस।